सलमान खान को मिली एक और धमकी, 26 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करने की कही बात, लेकिन बिश्नोई गैंग ने रखी एक बड़ी डिमांड। नमस्कार, मैं हूं नवेन श्रीवास्तव और आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। हाल ही में मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक्टर सलमान खान के लिए एक धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया है। मैसेज में एक्टर सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज करने वाले ने दावा किया है कि वो सलमान और लॉरेंस गैंग में सुलह करवा देंगे। ऐसा करने के लिए उसने पैसे मांगे और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। चेतावनी देते हुए लिखा, इसे हल्के में ना ले, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इस मामले को मुंबई पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि 12 अक्टूबर की देर रात बांद्रा में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को 3 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस ने अब तक 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हरियाणा निवासी गुरमैल बलजीत सिंह, उत्तर प्रदेश का धर्मराज राजेश कश्यप शामिल है। ये दोनों शूटर हैं। गिरफ्तार किए गए तो अन्य व्यक्ति हरीश कुमार बालकराम निषाद और प्रवीण लोडकर हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।